नमस्कार फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में आज बना रहे हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी फ्रेंड, मैगी। लेकिन मैगी बनाएंगे स्टीम मैगी फ्रेंड। इस देखिए, इसके लिए हम 2 मैगी 2 पैकेट लिए हैं फ्रेंड। बहुत ही कम चीज है फ्रेंड, बहुत ही कम सामान में आप बनाइए। और मैगी मसाला, नमक, और देखिए ये शिमला मिर्च है, हरा, लाल और पीला, जो दो दो टुकड़ा, एक मिर्चा का एक एक टुकड़ा काट लीजिएगा, और एक मीडियम साइज प्याज, और 10 5 बीन्स, ये देखिए। बस वेजिटेबल मैगी बनाएंगे लेकिन स्टीम से फ्रेंड। तो चलिए हम स्टीम मैगी बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हम एक पतीले में पानी रख दिए हैं, यह हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा है देखिए। अब इस पे आप एक चलनी रख दीजिए, यह स्टीम मैगी बहुत ही टेस्टी होगा फ्रेंड। अब इस पे हम मैगी को रख देंगे देखिए, और किसी बर्तन से इसको ढकेंगे फ्रेंड, ताकि मैगी में पूरा स्टीम लग जाए और पूरा बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाए फ्रेंड। आप किसी बर्तन से इसको ढक दीजिए फ्रेंड, ढक के 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए। देखिए फ्रेंड, पतीला में पानी पूरा भर के रखिएगा फ्रेंड, ताकि मैगी में स्टीम अच्छे से लगे। और बीच में देखिए इस तरह थोड़ा पलट दीजिएगा फ्रेंड, थोड़ा फैला दीजिएगा। देखिए यह हमारा अब सॉफ्ट हो रहा है फ्रेंड, धीरे धीरे पूरा सॉफ्ट हो जाएगा फ्रेंड, और इसको ढक के ही छोड़ेंगे फ्रेंड, ताकि स्टीम अच्छा से लगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा मैगी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया। बीच में आप चलाते रहिएगा फ्रेंड, और तोड़ तोड़ के इसको फैलाते रहिएगा, तो ये स्टीम से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा फ्रेंड। देखिए इस तरह फैला के सॉफ्ट करेंगे फ्रेंड इसको बिल्कुल। अब हम इसको कढ़ाई में सब्जी के साथ फ्राई करेंगे फ्रेंड। जब तक सब्जी फ्राई करते हैं, तब तक आप इसको इसी पे ढक के छोड़ दीजिएगा फ्रेंड, बंद करके गैस को। देखिए इस तरह हम ढक के छोड़ देंगे, 10 से 12 मिनट इसको लगा फ्रेंड स्टीम दिलवाने में। अब हम इधर कढ़ाई में इसका सब्जी फ्राई करके डाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गया है, देख लीजिए। अब इसमें आप 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड डाल लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कढ़ाई गर्म हो गया, हम इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले हैं फ्रेंड। तेल बिल्कुल हीट होने दीजिएगा फ्रेंड, एकदम गर्म हो जाए। ये देखिए तेल गर्म हो गया, अब इसमें मिर्च डाल दीजिए फ्रेंड। अगर आप मिर्च खाना चाहती हैं फ्रेंड तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें फ्रेंड हम कटी हुई सारी सब्जी डाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं फ्राई करना है फ्रेंड, 2 मिनट फ्राई करेंगे बस, ताकि ये लाल पीला शिमला मिर्च इसलिए दिए हैं फ्रेंड, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगे फ्रेंड, और खाने में भी। जो बच्चे ये नहीं खाते हैं फ्रेंड, नहीं भी दे सकते हैं, सिंपल भी आप बना के दे सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 2 मिनट इस तरह चलाते हुए सब्जी को फ्राई करेंगे। वो चिपचिपा नहीं होगा फ्रेंड, ये मैगी एकदम जो चिपचिपा होता है पानी में बनाने से, वो नहीं होगा, एकदम नए तरीके से एकदम ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब हमारा सब्जी हल्का सा फ्राई हो गया, एकदम हाफ फ्राई कीजिएगा फ्रेंड, ज्यादा नहीं। अब इसमें हम जो स्टीम किया हुआ मैगी को डाल लेंगे।
देखिए फ्रेंड, ये हमारा मैगी कितना सॉफ्ट हो गया। ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं होता है फ्रेंड, लेकिन हाँ सॉफ्ट हो गया। गैस को बिल्कुल कम कर लेंगे फ्रेंड। अब इसमें फ्रेंड देखिए, ये सॉस है टमाटो सॉस, इसमें 1 चम्मच सॉस और 2 चम्मच पानी मिलाकर डालिएगा, लग जाए फ्रेंड। ये देखिए, गैस बिल्कुल स्लो रखिएगा फ्रेंड, और इस तरह मैगी को खोल लीजिएगा। ये देखिए, स्टीम से ही हमारा कितना अच्छा मैगी सॉफ्ट हो गया था फ्रेंड। अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस फ्रेंड। चिली सॉस भी फ्रेंड 1 चम्मच डालिएगा, और चिली सॉस के साथ भी 1 चम्मच हम पानी डालेंगे फ्रेंड। अब इसको थोड़ा चलाएंगे फ्रेंड। अब इसमें मैगी मसाला डाल दे फ्रेंड। एकदम सिंपल रेसिपी है फ्रेंड, बस थोड़ा सा तरीका नया है। मैगी तो सब लोग बनाता है फ्रेंड, लेकिन इस तरीके से पानी में बॉयल वाला एकदम स्टिकी चिपचिपा हो जाता है फ्रेंड। दो मिनट के लिए किसी बर्तन से दबा के ढक दें, और ये मैगी तैयार फ्रेंड। टेस्टी। देखिए इस तरह दबाएंगे और ढक देंगे थोड़ा सा फ्रेंड, बस 2 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड, हमारा मैगी 2 मिनट में तैयार हो गया है एकदम। इस तरह एकदम मैगी खिला खिला होता है फ्रेंड एकदम। देखिए वो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है फ्रेंड, ये चिपचिपा स्टिकी नहीं होता है। देखिए अब इसको आप सर्व कीजिए फ्रेंड, देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। सब्जी भी बच्चे इसमें हाफ बॉयल खा लेंगे, जो बहुत ही पौष्टिक होगा फ्रेंड। तो गैस बंद करते हैं और इसको सर्व करते हैं फ्रेंड। में रख के दीजिएगा फ्रेंड, तो खाना इतना अच्छा लगेगा कि लोग खुश हो जाएंगे देख के ही फ्रेंड। ये मैगी फ्रेंड देखिए, ये स्टीम मैगी कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। रेस्टोरेंट में भी ऐसे नहीं बना के देगा फ्रेंड, एकदम खिला खिला और एकदम न्यू तरीके से फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपको नमक कम लगे तो आप एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा फ्रेंड अपने स्वाद अनुसार। फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे झटपट झटपट घरेलू डिश पे अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड। अच्छा, नमस्कार।